लोहरदगा लोकसभा सीट के गुमला के सिसई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा हुई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भ्रष्टाचार के कारण झारखंड मुसीबतों से घिरा हुआ है। उन्होंने कहा, ऐसा कानून बनाया गया है कि अब पेपर लीक करने वालों की जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी। भी हो विकास संभव ही नहीं है, जिस बाल्टी में छेद किया हो उसमें कितना ही पानी भरो, बाल्टी भरेगी क्या? यहां वो भ्रष्टाचार का छेद ऐसा लगा हुआ है, सीधा पाइप उनके घर में जाता है। ऊपर से रुपया ना निकालो, नीचे से पाइप में उनके घर में पहुंच जाता है। झारखंड इन्हीं मुसीबतों से गुजरा। आप देखिए, पेपर लीक का मामला, इस राज्य में कोई ऐसी एग्जाम नहीं है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो लीक ना होता हो। मेरे नौजवानों का क्या होगा भाई? और मैंने देखा कि झारखंड सरकार में बैठे हुए लोग सुधरने वाले नहीं है, तो मुझे दिल्ली से ही डंडा चलाना पड़ेगा। और इसलिए मोदी ने ये पेपर लीक वाले जो माफिया है ना, उनके विरुद्ध में एक बहुत कड़ा कानून बना दिया है। ये बच्चों के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब जिंदगी जेल में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।